अगर आप ओरिएंटेशन सेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको मन में होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, थोड़ा मैं वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले आपको जो वहाँ पर सर लोग आएंगे, पहले वहाँ पे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको जो आइडेंटिटी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और ईमेल आईडी पर जो मैसेज गया हो वो आपको दिखाना है। नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे वो आईडी चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बस ज़्यादा डॉक्यूमेंट ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन सेशन में वहाँ पर ये ऐसा पीडीएफ रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीडीएफ है, सेम टू सेम ऐसा पीडीएफ आपको रहेगा। स्टार्टअप ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ऐसा आपको रहेगा। उनका लैपटॉप में रहेगा, वो माइक लेंगे, माइक लेकर के और वो आपको वैसे बताएंगे, समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद आपका सेशन वन आएगा, बेसिक ऑन स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप, यानी ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है उसमें अंतर बताएंगे और एक स्टार्टअप जो बिजनेस होता है उसके में अंतर आपको ये बताएंगे। विशेष सही यहीं पे जान जाइएगा तो वहाँ पे क्या जानेंगे, यहाँ पर बेसिक ऑन स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ऐसे करके वहाँ पे मार्कआउट करेंगे, TAM टोटल अवेलेबल मार्केट, SAM सर्विक भी सेबल अवेलेबल मार्केट, SOM सर्विस सेबल ऑबटेनेबल मार्केट, ऐसे करके आपको यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपको सेशन दो आएगा, बेसिक इन बिजनेस फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ऐसे करके आपको वहाँ पे बताया जाएगा जो बिजनेस रिक्वायरमेंट कैसे होगा और आपका जो पार्टनर पार्टिकुलर आइडियाज कैसा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप है, ये सब आपको बताएगा। वहाँ पे आप पूछेंगे कि प्राइवेट यानी ELPC हो गया, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, और LLP हो गया, ये सब क्या होता है, इसके थ्रू हम कैसे यहाँ पे आ सकते हैं ये। और एक आएगा आपका जो टैक्स जो होता है, टैक्स जैसे कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, इनडायरेक्ट में क्या आएगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, GST हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, स्टाम्प ड्यूटी, एक्साइज ऑन लिक्योर, तो ये सब आपको वहाँ पे आएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है उसके बारे में आपको वहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक ऑन हमने ये बताया न्यू। इसके बाद आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम थोड़ा आप देख लेंगे, ये पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो यहाँ पर बताया गया है पैटर्न, देयर विल बी 100 क्वेश्चन, यानी 100 नंबर पैटर्न आपका एक जो ओरिएंटेशन सेशन होगा ना उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो एग्जामिनेशन देयर विल बी 100 क्वेश्चन, यानी वहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में आपको 98 में क्वेश्चन जो है ना MCQ बेस्ड रहेगा, यानी 98 क्वेश्चन विल बी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा 98, 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहेगा उसी में, टोटल टाइम अलाउटेड फॉर द टेस्ट विल बी 75 मिनट, यानी 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इट विल बी ए पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन और कलम कॉपी पर आधारित रहेगा, ऑनलाइन रहेगा नहीं होगा, पेन बेस्ड रहेगा, ये पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा विथ ईच MCQ हैविंग 4 ऑप्शन, सभी में 4 जो ऑप्शन दिया जाएगा, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर रहेगा यानी 3 गलत रहेगा और 1 सही क्वेश्चन रहेगा, सही जो आंसर रहेगा उसको आपको टिक लगाना होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, खास बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी जो 98 में MCQ है सभी को सभी आपको उसका जवाब देना दे सकते हैं उसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ओरिएंटेशन सेशन के बाद आपका जो बुलाया जाएगा समथिंग 1 सप्ताह के अंदर
नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।